हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 40 रुपए के अंडर के दो शेयर्स जिन्होंने धमाल मचा दिया पिछले 2 दिन के अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना जबरदस्त उछाल पिछले 2 दिनों में देखने को मिला इन दोनों शेयर में। चलिए देखते हैं एक नज़र टेक्निकल फंडामेंटल और इस उछाल को। पहला शेयर हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 38 रुपए पे पहुंच गया। आज की डेट में 20% का जंप देखने को मिला। अगर आप इस शेयर को देखोगे हुडको को, तो देखिए 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी। देखिए मेजरली जो लोन फाइनेंसिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, वो इसका काम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बढ़िया पी रेशियो, बढ़िया अर्निंग पर शेयर, लेकिन स्टॉक का प्राइस गिरता गिरता मार्केट में जब नया आया था तो एकदम 70 रुपीज़ के आसपास से जंप लेके 100 का लेवल पार किया था। कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद लगातार गिरावट और शेयर 30 रुपये के लेवल पे आ चुका था 30 रुपीज़। और 30 रुपीज़ पे आने के लेवल पे आने के बाद ये देखिए आप कहाँ से 29 रुपये से सीधे गया ये 38 रुपीज़ पे। बढ़िया जंप मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे का कारण अगर आप इससे पहले देखें तो कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये शेयर बड़ी छलांग लगाने वाला है। क्योंकि जिस ये हाउसिंग जो ये प्रोजेक्ट्स का फाइनेंसिंग करता है, और दूसरा शेयर पहले जानते हैं फिर आप दोनों का रिलेशन समझोगे। देखिए दूसरा शेयर है NBCC इंडिया लिमिटेड, NBCC 36 रुपये के आसपास जा चुका है। ये शेयर भी मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर कहता हूँ इसको, चाहे आप जीरो डेट की कंपनी है, पी रेशियो की बात करो, अर्निंग पर शेयर देखें और रिटर्न रेशियोज अगर आप देखें, NBCC आज की डेट में ये भी 11-12% उछल के 36 रुपये के आसपास गया। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों शेयर इस तरीके से जंप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल का स्टॉक है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का स्टॉक है। तो मेजर अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या चीज़ चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली NCR में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे माना जा रहा है कि गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स, अधूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की सोच रही है और उनमें फाइनेंसिंग, एडिशनल फाइनेंसिंग देने की सोच रही है। तो इसीलिए ये हुडको का शेयर आसमान छूने लगा है। और दूसरा NBCC का शेयर, उसमें भी जबरदस्त उछाल आ रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं वो NBCC को मिलने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों शेयर्स में अभी के टाइम पे। ये बिल्कुल अब बिल्कुल निचले लेवल पे मैं कहूँगा NBCC का शेयर काफ़ी नीचे, काफ़ी सस्ते कौड़ी के दाम पे चल रहा है अभी के टाइम पे। अगर आप टेक्निकल लेवल पे देखें तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए थे इसने, वही 2018 के बाद लगातार करेक्शन इसमें गया। एक टाइम पे लग रहा था कि यहाँ पे इन लेवल्स पे बॉटम बनाएगा। देखिए मैंने ये जो लाइंस है जब ये वीडियो बनाया होगा पहले उसी टाइम पे ड्रॉ कर रखे हैं, और सेकंड लेवल का जो मुझे सपोर्ट दिख रहा था, ये देखिए बहुत पहले का वीडियो बनाया हुआ, तो वहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन था यहीं पे लग रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और शेयर ने आपको यकीन नहीं होगा वही 30 रुपये के आसपास उसी लेवल के सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया है। और अभी तक मुझे लगता है कि बढ़िया बाउंस बैक और आने वाले टाइम पे ये शेयर, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये जो 50-डे मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पहले भी कई बार इसमें उछाल आया है और उस लाइन से वो नीचे आ जाता है। और फिलहाल गवर्नमेंट का रोल अहम हो जाता है, आगे अगला डिसीजन जो गवर्नमेंट का आने वाला है इसके ऊपर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे कोई सरकारी कंपनी, NBCC जैसी कंपनी फटाफट कंप्लीट करे और जो बायर्स हैं उनको हेल्प मिले। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।